नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रगति, नवाचार एवं बेहतर कनेक्टिविटी का द्योतक है। हमारे कुशल अभियंताओं एवं तकनीशियों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित यह अत्याधुनिक ट्रेन हमारे देश की तकनीकी क्षमताओं के विकास को प्रदर्शित करती है एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किए गए रांची पटना वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर रांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल महोदय ने कहा कि रांची हजारीबाग कोडरमा नई लाइन, जिसकी परिकल्पना 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी, आज वह पूर्ण हो गई और इस मार्ग पर अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं है, बल्कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते भारत की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। यह विकसित भारत बनने की दिशा में प्रतिबद्धता को प्रकट कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 57 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और उन्हें विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड राज्य से विशेष लगाव रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों के लिए वरदान सबसे बड़ी बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना झारखंड की ही धरती से प्रारंभ हुई थी। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने बाबा नगरी देवधर में एम्स दिया, साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए विभिन्न परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वे खादी सिल्क को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमारे संपूर्ण राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को झारखंड के तसर सिल्क से बने शॉल भेंट किए गए। राज्यपाल मोदी ने उक्त अवसर पर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों के साथ संवाद किया। इसके पश्चात उन्होंने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में नामकुन स्टेशन से मेसरा रेलवे स्टेशन तक का सफर किया। उन्होंने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन समर्पित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण राज्यवासियों की ओर से आभार प्रकट किया।